बच्चे बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी उनकी मासूमियत उनकी जो एंड थैंक यू शान डेफिनेटली कोशिश यही रही कि जितने खुश मिजाज एनवायरनमेंट में शो शूट हो उतना अच्छा होगा शो के लिए द कैप्टन ऑफ द गर्ल्स टीम इज समबडी जो बहुत यंग है, टैलेंटेड है, बच्चों की फेवरेट है और बच्चे जिनके फेवरेट हैं पॉपुलर सिंगर ऑफ द सॉन्ग सवार प्लीज़ वेलकम मोनाली फर्स्टली थैंक यू Thank you, lovely kids, for such a wonderful performance. Thank you, lovely musician Dadas, for playing so wonderfully, uh, and thank you, Namit, for such <laughs> sweet words. Um, I had been off for two years from honestly from recordings and stuff after I recorded for Savardu because I was busy shooting, which was a very very new thing in my life. I cannot uh, thank Z enough for bringing me back to the music scene like this. Um, Esa Mahal. इतने सारे टैलेंट्स एंड सो मच ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन फ्राम दो स्केट्स दैट जज तो मैं कर नहीं सकती बट येस आई थिंक आई विल गेट इंस्पायर्ड अगेन एंड आई गेट मोटिवेटेड अगैन टू डू बेटर एंड आई होप कि अगले जितने हफ्ते जाएंगे महीने जाएंगे हम बहुत मज़ा करेंगे और वील हैव लवली म्यूजिकल इवनिंग्स फॉर यू एज वेल एज़ फॉर अस ऑल ऑफ अस थैंक यू टैलेंट को के जो दोनों जजेस ने हाथ खड़े कर दिए दोनों बोल रहे हैं हम जज नहीं करने वाले तो आई थिंक अब स्टेट पे बुलाना पड़ेगा वन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड एंड लव्ड सिंगर्स अवॉर्डेड मच अप्रिशिएटेड महागुरु अलका गुड इवनिंग फ्रेंड्स back as mahaguru <laughs> yeah uh, again z saregama has succeeded in unearthing some of the most talented children we have the abhi Suna, they are amazing we haven't heard them before this is for the first time we were hearing them and uh, i'm really looking forward to the show now more than ever before ये बच्चे जो होते हैं ना आई मीन आई इन फैक्ट आई वॉज ऑफर्ड द एडल्ट आर कामा बिफोर दिस बट आई डेंट टेक इट ऑन जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड बच्चे बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी उनकी मासूमियत उनकी जो एंड द एंड इमेंस टैलेंट दैट दे हैव इज समथिंग दैट आईवेज आई लव टू बी सराउंडेड बाई दीज दिस काइंड चिल्ड्रेन सिंग सो ब्यूटिफुली इट्स आई थिंक आई समाई हैपीएसट मोमेंट्स हैव बीन वाइल्ड जजिंग सारे सारे गा एज एज अज अर्यर एंड एज अ महागुरु इन द लास्ट सीजन और आई थिंक दो तीन साल हो गए ना पिछला सीजन उसके बाद जो मुझे मिलता है वो यही पूछता है अरे लिटिल चैम्स कब होगा लिटिल चैम्स कब होगा एंड आई टोल देम आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट एज एज इंथ्यूजियाली एज ऑल ऑफ यू निर्लस् से महागुरु हैं हूँ मैं है, तो मेरा जो डंडा है वो बच्चों के सर पर नहीं होगा इन दोनों के सर पे होगा कि ये लोग क्या सिखा रहे हैं कैसे सिखा रहे हैं तो दैट्स दे एंड आप सबका सहयोग चाहिए प्यार चाहिए uh, बच्चों को हम कोई जज नहीं करने वाले हैं हम उन्हें सिर्फ विल हेल्प देम टू ब्लॉसम विल हेल्प देम उनको निखारना है दे आर लाइक रफ स्टोन्स बिच जित उनको तलाशना है उन्हें पॉलिश करके उनका उनके अंदर की जो चमक है वो बाहर निकालनी है बस यही है और आई एम आई एम रियली रियली लुकिंग फॉर्वर्ड टू इट थैंक यू थैंक यू वेल्का जी थैंक यू थैंक यू मिस्टर शर्मा वैसे आ, सवालों का सिलसिला शुरू होगा आप लोग के साथ लेकिन उसके पहले मेरे पास भी एक सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहूँगी तो मैं शुरू करती हूँ माँ गुरु से वैसे ही शुरुआत होती है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सारेगा माँ पा का जो मंच है उसके साथ आपका ये पहला रिश्ता तो है नहीं तो आपको इस मंच के साथ दोबारा जुड़कर कैसा लग रहा है और इस मंच की मायने क्या है आपके लिए बहुत पुराना रिश्ता है बल्कि लिटिल चैम्स का फर्स्ट सीजन मैंने किया था उसमें भी शान थे शान वॉज होस्टिंग द शो एंड मी बपीदा एंड अभिजीत वि जजेस और मुझे लगता है उसके बाद भी सीजन्स मैंने किए हैं आई डन द थर्ड एंड फोर्थ सीज़न एंड दिस इज द फिफ्थ सीजन बट वो जो पहला सीजन है वो जो पूरा माहौल है वो दे आर वेरी फॉन्ड मेमरीज विच आई चेरिश ऑल द टाइम और उस सीज़न के जो बच्चे हैं वो आज तक दे एन टच विथ नी दे कॉल दे का मूवन दे एन बॉम्बे दे टेक गाइडेंस और ये करके उनको सिखा के उन्हें गाइड करके जो एक एक तरह का अलग तरह का एक सेटिस्फ़ैक्शन मिलता है जो कि मतलब मैं गाती हूँ एज अ सिंगर ये वो वो सब ठीक है मगर सिखाने में जो हमने एक्सपीरियंस लिया है इंडस्ट्री से इतने सालों में तो वो उनसे शेयर करने में उन्हें उन्हें बताने में कि इसको ऐसे करो एंड देन टू सी देम गेट बेटर एंड बेटर इससे इससे अच्छी कोई बात नहीं है बच्चे जो होते हैं दे